हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंग्लिश के बेसिकली हम चैप्टर ना पढ़ के आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी छोटा सा, तो उसमें ग्रामर के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रामर का पोर्शन। आप देखिए, अब ध्यान देना आप लोग कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ग्रामर पढ़ाना है तो ग्रामर का सबसे छोटा फॉर्मेट क्या आपका याद रखना कि ग्रामर एक आप याद रखना कि कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका। ग्रामर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कोई आपका विषय नहीं है। जैसे मैथ आपका होता है, साइंस आपका होता है, SST होता है, वैसे ये ग्रामर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका। ग्रामर मतलब हम बेसिकली भी पढ़ते हैं ताकि इंग्लिश हमें इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसमें हमें ग्रामर का यूज मिलता है। तो हम जो जितना भी हम पढ़ रखे होते हैं ना, तो ग्रामर का यूज ही मतलब उसका प्रयोग हम ग्रामर के अंदर ही करते हैं। आप सुनो, एक तो ये प्रोसेस हो गया। सेकंड चीज़ आ गई कि ग्रामर है तो इसका ना लेवल, मतलब इसका अगर बोले जिसको नहीं भी आता, जो पहली बार पढ़ रहा उसको भी आएगा, और जो मतलब पहले पढ़ रखा हो तो बढ़िया, अगर जिसने नहीं पढ़ रखा तो उसके लिए पहली बार, तो ये मैं सोचना कि पहली बार समझ नहीं आएगा, है ना। बहुत छोटी चीज़ें छोटी चीज़ें बताऊंगा तो याद रखना अपना। आप देखो, ग्रामर अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी आपको क्या बताया कि ग्रामर आपका क्या है। एक तरह से इंग्लिश ग्रामर आपकी पूरी इंग्लिश है। इंग्लिश है, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट नहीं होगी, ये आपकी भाषा है। जैसे आपकी हिंदी एक भाषा होती है ना, तो वैसे ही आपकी इंग्लिश भी एक भाषा है, तो लैंग्वेज है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट ना पढ़ के हम सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जब स्टार्ट करते हैं ग्रामर का क्वेश्चन। अब ग्रामर है क्या बेसिकली, अगर मैंने आपको बताया कि ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर पढ़ने के लिए आपने देखा होगा जब भी एक सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक चीज़ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सेंटेंस आपने हिंदी में सुना होगा वाक्य, वाक्य भी इंग्लिश में होते हैं सेंटेंस, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं वाक्य, ये इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, है ना। आप जब पढ़ाओगे तो ध्यान से बोलना, अगर बोलूं सेंटेंस या बोलूं वाक्य, तो दोनों फर्क क्या है। अगर मैं दोनों में अगर हिंदी में बोलते वाक्य, हिंदी में वाक्य, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। आप देखना, जब भी आपको कोई सेंटेंस बनता है, जब भी आपको कोई सेंटेंस बने, उसके अंदर तीन चीजें रहती हैं। एक सेंटेंस बनने में, एक वाक्य बनने में, वाक्य का एक पूरा वाक्य होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक लास्ट में जब भी एक पूरा सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पॉइंट कोमा लगा रहता है, चाहे वो हिंदी में भी लगा रहता है, इंग्लिश में भी लगा रहता है। जब भी एक सेंटेंस एक वाक्य खत्म होगा तो लास्ट में कोमा लगता है, कभी कभी ये वाला साइन रह जाता है आपका। ये क्वेश्चन पूछा है, जब भी वाक्य खत्म होगा तो आपका ये वाला साइन रहता है, इसे हम बोलते हैं कोमा। इसे हम क्या बोलते हैं, कोमा, है ना। तो ये याद रखना, जब भी एक सेंटेंस आपका खत्म होगा, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ, पहले हिंदी देखो, मैं खेलने जा रहा हूँ, तो देखो मैं खेलने जा रहा हूँ सेंटेंस मेरा एक वाक्य कंप्लीट हो गया, मतलब एक वाक्य पूरा हो गया। पूरा होने का मतलब क्या है कि मैंने बोला मैं खेलने जा रहा हूँ, जब मैंने बोला मैं खेलने जा रहा हूँ तो पूरा वाक्य खत्म आपका। जब खत्म मतलब ये कि जब मैं खेलने जा रहा हूँ, जैसे मेरा सेंटेंस जैसे बोला जा रहा हूँ, जैसे मेरा खत्म हुआ मैं ऐसे लौटता हूँ इंग्लिश में, ये कोमा लगाऊंगा। कोमा मतलब वहाँ का आपका एक सेंटेंस पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है, उसके बाद जो बोलूंगा उसके आगे बोलूंगा। बट अभी समझो, ये अभी काम करिए, अभी यहाँ देखना, जब भी एक सेंटेंस आपका एक वाक्य बनेगा तो उसके अंदर सिर्फ तीन चीज़ आती है। पूरी ग्रामर आपका पूरी जो पूरी पूरी ग्रामर है वो आपका क्या है, तीन चीज़ें। एक होता है आपका एस, एक होता है आपका वी, एक होता है आपका ओ। देखिए फुल फॉर्म लिखवाऊंगा, एस वी ओ, ये तीन चीज़ों का पूरी पूरी ग्रामर टिकी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो अलग बात है, वो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये तीन चीज़ों के लिए। आप बोलोगे एस से क्या हुआ, तो एस से होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, हिंदी में बोलते हैं सब। अभी मैं सोचना सब्जेक्ट भी है, विषय होता है, सब्जेक्ट मतलब विषय भी होता है और सब्जेक्ट। देखो अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बोलते क्या। आप बोलोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है आपका विषय। आप हिंदी बोलते हो विषय, विषय कौन सा हो गया, जैसे आपका मैथ हो गया एक सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, मैथ आपका हो गया, SST हो गई, तो ये आपका एक सब्जेक्ट है, साइंस आपका एक सब्जेक्ट है। बट वो सब्जेक्ट विषय अलग चीज़ है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मीन्स होता है करने वाला, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स एस फॉर सब्जेक्ट, देखो एस से स्टार्ट हुआ था ना, तो एस मैंने डाल दिया, एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मैं बोलता हूँ हिंदी में कर्ता, कर्ता कौन सा होता है, करने वाला। कोई भी काम करने वाला होगा वो कर्ता कहलाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे क्या बोलोगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, मैं हूँ काम कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आप काम करने वाले हो, नहीं ना।
काम कौन कर रहा, कर्ता मतलब जो काम कर रहा हो, तो काम कौन सा कर रहा, मैं कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँ मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं कर्ता हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट कर्ता, समझ में आया। अब आता है सेकंड चीज, ये भी से होता है वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वी से होता है वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। अब क्रिया का मतलब दिखाने के लिए होता है, अब जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, मतलब करता, जो मैं कर रहा हूँ मैं करता हो गया, करता मतलब करने वाला, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। देखो मैं भाई हिंदी में लिख देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, करता कौन, काम करने वाला कौन है, मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, करता हो गया, समझ में, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, कुछ नहीं अलग नहीं कर रहा। अब देखो दूसरा है, मैंने बोला वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना, आप देखो जो पढ़ाना हो गया, पढ़ाना आपके लिए क्या हो गया, वर्ब हो गया पढ़ाना। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या हो पढ़ रहे हैं, तो समझ रहे क्या हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, जब भी कोई करने वाला, जो भी कोई हम काम करेंगे, ये क्या हो गया क्रिया। क्रिया में अगर मैं बोलूंगा जो काम हो रहा हो, उसे मैं क्या बोलूंगा, क्रिया, वर्ब, जो काम हो रहा है। आप देखो मैं करने वाला हूँ, करने वाला मैं सब्जेक्ट हो गया, जो काम हो रहा है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ाना, मेरे लिए क्या होगी, क्रिया। देखो देखा पढ़ा, अगर मैं इसमें वर्ब डालूँ पढ़ाना, मैं मतलब सेंस नहीं लगा, पढ़ाना ही नहीं करता, पढ़ा पढ़ाना मतलब एक ही होता है। अब देखो एक होता है आपका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ते, ऑब्जेक्ट पढ़ते, ऑब्जेक्ट ना पढ़ते, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है, देखो कर्ता क्रिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स अगर बोला जाए हम क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ क्रिया करता क्रिया और क्या काम हो रहा है, आप समझो इसमें मैंने डाला नहीं है, मैं अभी डालूंगा इसमें, अभी सेंटेंस में डाला नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मतलब होगा क्या काम हो रहा है। अपने दोनों में कन्फ्यूज मत होना, एक करने वाला, काम को करने वाला, जो काम हो रहा है उसे मैं बोलूँगा क्रिया, और जो काम मतलब क्या काम हो रहा है, बोलो पढ़ाने का काम हो रहा है। अगर मैं आपसे लिखूंगा यहाँ पे, जैसे बोलता हूँ मैं पार्क जा रहा हूँ, अगर मैं हिंदी में लिखा मैं पार्क जा रहा हूँ, आप समझना ध्यान से, मैं कौन जा रहा है पार्क, मैं जा रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, जा अब बोला कि क्रिया वर्ब, सबसे पहले मेरा क्या होता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेरा क्या आता है वर्ब। अब देखो पार्क, पार्क जगह है ना, जा रहा हूँ मतलब जाना हो गया, जाना मेरा अपने आप में क्या हो गया एक वर्ब हो गई। अब ध्यान देना जब भी मैं लिखूंगा जाना, समझा, मैं पार्क जा रहा हूँ, मैं पूछूंगा अगर मैं जुड़ूंगा कौन पार्क जा रहा है, मैं, तो मैं जा रहा हूँ अपने आप में क्या हो गया सब्जेक्ट। तो आप समझना अगर मुझे सब्जेक्ट की पहचान करनी है, तो सब्जेक्ट की पहचान के लिए मैं क्या लाऊंगा, हुमी होता है कौन, हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अभी समझो मैं अभी करा नहीं रहती, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे पता करना है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप देखो मैं तो बता रहा हूँ आपको, इसी समझ में आ जाएगा, बट आपको खुद पहचानना पड़े कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, वहाँ क्वेश्चन पूछो हु। अगर जैसे बोला, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर मैंने बोला हम पढ़ रहे हैं, तो अब मैं क्वेश्चन क्या करूँगा, मुझे पता करना सब्जेक्ट कौन है, मुझे नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, कौन पढ़ रहे हैं, ये बोलेंगे कौन पढ़ रहे हैं, तो कौन सा, जब कौन बोलोगे कौन पढ़ रहा है, तो उसका आंसर क्या निकलेगा, हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना, जब बोलोगे कौन पढ़ रहे हैं, तो बोलोगे उसका आंसर क्या निकलेगा, हम, तो हम अपने आप में क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, समझो ध्यान से। आप बोला कि ऑब्जेक्ट, अब कोई क्या काम हो रहा है या कहाँ हम जा रहे हैं, कई सारे होते हैं, देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, हम पढ़ना ही काम हो रहा है मतलब नहीं है। अब हमें रखना है कि ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ना कुछ कुछ भी होता है, मतलब पूरा सेंटेंस के ऊपर जो सब्जेक्ट है वर्ब है,
सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, ये कोई ना ये दोनों मिलकर कोई ना कोई काम करेंगे। देखो सब्जेक्ट होगा कोई काम करेगा, सब्जेक्ट होगा तो कोई ना कोई काम करेगा, काम करेगा जो काम करेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, वर्ब बोलूंगा। समझो सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई काम करेगा, जब कोई काम करेगा क्या काम करेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, वर्ब। अब उस काम का प्रभाव होगा, मतलब जैसे मैं पास जा रहा हूँ तो मैं बोलूँ मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, बट कहाँ जा रहा हूँ, तो जब भी मेरा निकालना पड़े इसका आंसर निकालेंगे वेयर। वेयर मतलब इस कहाँ, अगर सेंटेंस में पता करना पड़े कि सब्जेक्ट वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हमें पता करना पड़े कि वर्ब या बोला है क्या नाम है, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट मैंने सेंटेंस क्या, तो मैं क्या करूंगा लास्ट में मैं क्या पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा वेयर। और भी पूछने वाले और भी क्वेश्चन दो तीन और होते हैं, पर अभी के लिए क्या करना है वेयर। इस क्वेश्चन के साथ अगर मैं पूछूंगा कि सब्जेक्ट क्या है तो आप बोलोगे पता करने के लिए सब्जेक्ट क्या, मैंने आपके एग्जाम्पल जैसे तुम खाना खा रहे हो, समझना नहीं आते, तुम खाना खा रहे हो, मैं एक सेंटेंस बोला अभी सेंटेंस का। अब देखो मैंने बोला क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने बोला भाई मुझे सब्जेक्ट में पता है, सब्जेक्ट में है क्या, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा डिस्कशन से, मुझे सब्जेक्ट नहीं पता इसके अंदर सब्जेक्ट है क्या, तो मैं क्या करूँगा सब्जेक्ट पता करने के लिए, मैं आपने तो क्या बताया क्या जाऊँगा हु, सब्जेक्ट को पता करने के लिए मैं क्या जाऊँगा हु, तो मैं सेंटेंस में पूछूंगा तुम खाना खा रहे हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा कौन खाना खा रहा है, कौन का आंसर किसका निकलेगा तुम, जब मैं कौन का आंसर दूंगा, मैं अगर पूछूंगा इस सेंटेंस में कौन खाना खा रहा है तो उसका आंसर क्या हो गया, ये तुम खाना खा रहे हो, जब तुम खाना खा रहे हो ये मेरे लिए क्या हो गया सब्जेक्ट। आप देखो पूछो तुम खाना खा रहे हो, अब देखो कोई ना खाना खा रहे तो कोई ना कोई प्रभाव, अगर तुम हो कुछ ना कुछ खा रहे हो, अब खाना अब बोलोगे भैया हम पता करेंगे सब वर्ग क्या है, तो वर्ग मीन्स क्या होगा कोई भी काम हो रहा होगा, यहाँ क्या काम हो रहा खाना खाना काम हो रहा है, तो खाना 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 अपना खाना एक अलग चीज है, खाना अलग से करो मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना एक अपना चीज हो गया, खाना तो आपके लिए क्या हो गया एक कोई नहीं चीज, मेरे पास सब्जी हो गई वेजिटेबल होगा फ्रूट होगा वो उसी खा रहे, बट जो खाना अपने आप में क्या हो गया वर्ब हो गया। तो जब मैं अगर वर्ब की बात बताऊँ तो मेरे खाना अपने आप में क्या हो गई वर्ब हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखना, अगर मैं पूछूंगा कि और इसके अंदर जोड़ना व्हाट क्या, देखो इससे भी मेरा ऑब्जेक्ट का आंसर निकलेगा और इससे भी मेरा ऑब्जेक्ट का आंसर निकलेगा। बट मैं पूछूंगा अगर मैंने पूछा तुम क्या खा रहे हो, मैंने यहाँ लिखा तुम क्या खा रहे हो, तो बोले अभी अगर मैं आपसे पूछूँ इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपसे पूछा मुझे लगाना मुझे ऑब्जेक्ट पता करना, ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास क्या है वेयर और व्हाट मतलब कहाँ और क्या, तो अब इस सेंटेंस में जोड़ूंगा तुम कहाँ खा रहे हो ये पूछूंगा, तुम कहाँ खा रहे हो, देखो यहाँ पे क्या चला गया तुम क्या खा रहे हो क्वेश्चन पूछो, अगर यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ जब क्या से आंसर निकलेगा, जब भी आपका आंसर क्या निकलेगा क्या से निकलेगा, तो क्या अपने आप में मेरे लिए क्या, क्या खा रहा हूँ मैं खाना, तो ये हो गया अपने आप में ऑब्जेक्ट, समझो ध्यान से अब ऑब्जेक्ट हो गया। मगर मैंने आपको क्या बताया था कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बट आप यहाँ क्या देखोगे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, देखो ध्यान से पहले सब्जेक्ट आ रहा है फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर वर्ब आ रहा है, मतलब क्या है ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, देख लो वर्ब पहले आना चाहिए और ऑब्जेक्ट बाद में, मगर यहाँ क्या ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और वर्ब बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या जाना हमने कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं हिंदी के अंदर, जब भी कोई सेंटेंस हम क्या लिखेंगे हिंदी में, अगर मैं सब्जेक्ट में सेंटेंस लिख रहा हूँ हिंदी में, तो देखो जब भी कोई सेंटेंस लिखे पता आएगा सब्जेक्ट फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब जब मैं हिंदी में लिखूंगा, बट जैसे मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा, अब देखो ग्रामर बना दो आप पता हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, तो जब भी मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा तो जब भी मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो सब्जेक्ट रहेगा रहेगा कंफर्म है ना, बट क्या नोटिस रहेगा ये वर्ब पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। हिंदी में सब्जेक्ट आएगा पहले फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, मत जब मैं उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये चीज़ याद रखना। तो अब देखो अब इतना सब कुछ मैंने आपको करा तो दिया, इतना सब कुछ मैंने आपको करा तो दिया, बट अभी भी आपको ये कंफर्म नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, तो मैं इसको कराने से पहले
यहाँ जाने से पहले यहाँ तक आप लोग कॉपी करो, है ना। जब इसे कॉपी कर लोगे तब मैं आपको आगे और के ले जाऊँगा। अब देखो, अगर आप इंग्लिश पढ़ने की बात कर रहे हो तो ग्रामर पढ़ने की बात हो रही है, तो आपको ग्रामर पढ़ने का तरीका देखो क्या होता है। आपको ग्रामर में सबसे बेसिक चीज़ क्या आनी चाहिए, अगर मैं बोलूँगा आपको अंदर ग्रामर में सबसे बेसिक चीज़ क्या आनी चाहिए पता है आपको? ग्रामर पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है? अल्फाबेट। हिंदी इंग्लिश बोलते हैं अल्फाबेट, हिंदी में बोलते हैं क्या नाम है, हिंदी में से बोलते हैं अल्फाबेट को हम बोलते हैं अल्फाबेट हो गया, एक बता रहा हूँ। इसके बाद आता है लेटर। अब लेटर वाला लेटर मत समझना जो आप लोग स्कूल में लिखते हैं, वाला लेटर तो वही होता है जिसको लिखते हैं, ये लेटर दूसरा है। मतलब एक वाक्य के कई मीनिंग होते हैं, याद रखिए। अगर मैं आपको बोलूँ एक वर्ड सबको पता होगा ये, ठीक है, लोग तरसते हैं इसके लिए, गुड, अच्छा था। और अगर आपको स्कूल में दे दिया जाता है तो भाई खुश जाता है कि भैया सर ने मुझे गुड दे दिया। अगर मेरे को आपको स्कूल में कहीं मिल जाता आपको गुड, तो बड़ा खुश होता है, देखो मुझे गुड मिल गया, होते ना खुश, या मैडम ने दिया। अगर देखो इसी बात में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, एस लगाया मैंने इसके अंदर, एस लगा दिया बस, सिर्फ एस लगाया, तो आप इसे बोलोगे अच्छा, इसे क्या बोलोगे? अच्छे नहीं, गुड्स मीन्स हो गया, पता है गुड्स मीन्स हो गया आपका माल, वस्तु, जो भी आप सामान खरीदते रहते हो उसे बोलते हैं गुड्स। तो फर्क है, तो इसलिए एक वाक्य कई मीनिंग होते हैं, तो ये अभी आपका लेवल नहीं है ये समझने का, इसलिए बोला कि हाँ बोलो ये लेटर तो मेरे को पढ़ा है नहीं। आप देखो अल्फाबेट आएगा, फिर लेटर आएगा, फिर आपको इन दोनों को मिला के बनता है वर्ड। वर्ड इन दोनों को मिला के वर्ड आएगा। अब इसके बाद आपका बनेगा एक, इन सबको वर्ड को मिला के एक बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस इन सबको मिला के क्या बनेगा आपका? एक सेंटेंस बनेगा, एक वाक्य बनेगा। और वाक्य बनाने में सेंटेंस के अंदर क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। याद रखिए अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। सब्जेक्ट कब कहलाएगा? एक सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब समझना ध्यान से, अब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, यार मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ अल्फाबेट से। अल्फाबेट को हम बोलते हैं, अगर मैं इसको हिंदी बोलना चाहूँ अल्फाबेट को, तो इसको हम बोल देंगे भाषा, नहीं भाषा नहीं बोलेंगे अल्फाबेट को हम। चलो पहले देखो ये अल्फाबेट क्या होता है, अगर मैं बोलूँगा से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखो क्या होता है, हमें क्या बोलेंगे अगर पढ़ना होगा तो हम बोलेंगे अल्फाबेट। अगर इसे पढ़ने में दिक्कत हो तो हमें क्या बोलेंगे, हिंदी में पढ़ते बोल देना बोलेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? आप देखो ये सब आपने इसलिए पहले पढ़ रखी है कि वो सबको आता है, ए बी सी सबको आता है। तो देखो जब मैं इन सबको मिला के पढ़ूंगा, याद रखना, जब मैं इन सबको मिला के पढ़ूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, ये मेरे क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाएगा। आप बोलोगे अल्फाबेट ये हो गया, ठीक है। और अगर देखो मैंने आपसे बोला, मैंने कहा और जब मैं इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ूंगा, अलग अलग होने का पढ़ने का मतलब है, देखो मैंने बोला अल्फाबेट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जितनी भी आते सब आपका अल्फाबेट है, ए से लेके जेड तक। अच्छा फिर मैं आपसे बोला ये बताइए ई क्या है? अगर मैंने बोला सिर्फ ये बोला ए क्या होता है तो आप इसे बोलोगे अल्फाबेट है? नहीं, इसे आप बोलोगे लेटर। अगर सिंपल अगर मैंने बोला आपसे बोला इन सबको मिला के क्या बना आपका? अल्फाबेट। अगर मैंने सबको एक एक करके पूछा बताइए ए क्या होता है आपका, तो आप क्या बोलोगे? ए जी ने बताया अल्फाबेट होता है।
खुद से जाके बोलोगे ये तो अल्फाबेट है, ये बोलोगे है ना गट नहीं यार है ना। एक क्या होता है आपका, एक लेटर होगा। अगर मैंने बोला ये बताइए क्यों क्या हो गया आपका, तो बोलोगे ये भी एक लेटर है क्यों। अगर मैंने बोला आपसे आर क्या होता है, तो आप ये भी क्या बोलोगे, ये भी आपका एक सिक्स में है, लेटर है, ये भी आपका एक लेटर है। आप समझो ध्यान से, जब हम इसे सबको अलग अलग पढ़ेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, लेटर। आप समझो ध्यान से, शब्द क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए शब्द क्या होता है या वर्ड क्या होता है, तो आप बताइए जब मैं आपको बोलूंगा एक वर्ड लिखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कमल लिखी दिखाई मुझे, तो आप क्या बोलोगे ऐसे, बोलेंगे मेरे लिए क्या हो गया कमल। मैं बोला आपसे एक नाम लिख के कमल, एक आदमी का नाम लिख के दिखाई, तो आपने लिख दिया कमल। तो आप नोटिस किया कि हम का को क्या बोलते हैं, के अपने आप में क्या है, अल्फाबेट है, लेटर है, लेटर है ना, समझ में आ रहा। आप देखिए मैंने बोला कमल लिखना है, तो याद रखना जब भी दो से ज्यादा वर्ड को मिलाया जाता है, जब भी दो से ज्यादा लेटर को मिलाएंगे तो ए का यूज करते हैं, क एम, ये मैं थोड़ा कैपिटल लिख देता हूं, ए, फिर एम को क्या लिखते हैं, सॉरी माँ को क्या लिखते हैं, एम ए एम। अब देखो कमल, कमल ऐसे लिखते हैं, आप सुनो इंग्लिश में, अगर मैं इसको बोला के अपने आप में एक लेटर है, ए अपने आप में एक लेटर है, एम भी अपने आप में, अगर मैं अलग अलग पूछूंगा ए भी अपने आप में लेटर है, एम भी अपने आप में एक लेटर है, समझो। बट अगर आपने देखो मैंने सारे लेटरों को मिलाया, जब मैंने सारे लेटरों का अपन पहले ये क्या अलग अलग थे, ये सब अलग अलग है, और अलग अलग होने का मतलब क्या, ये मेरे लिए क्या हो गए, लेटर हो गए। अब देखो मैंने क्या किया, इन लेटरों को जब मैंने आपस में मिलाया, जब इन लेटरों को मैं आपस में मिलाऊंगा, अब इन लेटरों को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो मिलाने तरीका क्या, सबको पास पास लिखूंगा, और जब लेटर से जब सारे लेटरों को मिलाया तो मेरे पास एक वर्ड बन गया है। वर्ड क्या बन गया है, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ उसका मतलब, उसका कुछ मतलब निकलता। तो देखो मैंने सबको मिला के एक वर्ड बनाया, नेटवर्क मिला के मैंने क्या बनाया, वर्ड बनाया, नेटवर्क को मिलाया, इन सारे नेटवर्क को मिला के मैंने एक वर्ड बनाया, वर्ड मतलब एक शब्द बनाया, और शब्द को बनाने के लिए मैंने नेटवर्क के आपस में मिलाया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एक शब्द बनाने के लिए, एक वर्ड बनाने के लिए लेटर को क्या किया मैंने आपस में मिलाया, तो मतलब मैंने वर्ड, मेरा वर्ड क्या कहलाया है ना, वर्ड को मैं क्या बोलूँगा, लेटर को आपको, लेटर जितने भी लेटर्स हैं उनको आपस में मिलाने पे उसका कुछ मतलब निकलता है, उसका कुछ मतलब निकलता है, तो मैं क्या बोलूँगा, वर्ड बोलूँगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे वर्ड का मतलब क्या लिखोगे, लेटर को मिलाने पर उसका कुछ मतलब निकले, उसे वर्ड कहते हैं। आप सुनो वर्ड कहते हैं का मतलब क्या है, समझो। अब मैंने देखो एक कमल बन गया, तो मतलब आप कुछ भी मिला होगा, जैसे मैं आपसे बोला एक वर्ड निकलता, एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ वर्ड का, ऑड मिल देता, ऑड मिल आपको पता है बूढ़ा होता है। देखो मैंने अगर अलग पूछो, ओ अपने आप में एक लेटर है, एल भी अपने आप में एक लेटर है, डी भी अपने आप में एक लेटर है, तीनों को मिलाया एक वर्ड बना, वर्ड का मतलब क्या है, अब ऑड एक वर्ड बन गया, तो अब इसका मतलब क्या होता है, बूढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, बूढ़ा। अब ध्यान देना, बूढ़ा एक मतलब निकला, आप देखो ध्यान देना मतलब क्या है, मतलब कोई भी हम वर्ड, कोई भी लेटर को आपस में कहीं भी अरेंज करें, मतलब कहीं भी लिख देते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, डी को पहले लिखता हूँ, एल को उसके बाद लिखता हूँ, ओ लिखता हूँ, मैंने ऐसा क्या आगे पीछे लिख दिया, डी एल ओ। अब बताओ इसका डलो, इसको पढ़ूंगा डलो, अब डलो मैंने लिख दिया, ये भी तो लेटर से मिला के बना, ये भी तो लेटर से मिला के बना है, डी भी अपने आप में एक लेटर है, एल भी अपने आप में एक लेटर है, ओ भी अपने आप में एक लेटर है, ये भी लेटर से मिला के बन रहा है, मैं इसका कुछ मतलब नहीं ना, डलो में इतना कुछ भी नहीं होता, डलो का मतलब जब कुछ का मतलब ही नहीं होता, जब कुछ मतलब निकले तो उसे वर्ड कहते, जब उसका मतलब ही नहीं निकले तो मेरे लिए क्या है, वर्ड नहीं कहलाएगा, मतलब ये मेरे लिए वर्ड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, तो वर्ड क्या कहलाएगा, उसका कुछ मतलब निकलेगा तब आएगा,
वरना अगर वो मतलब मेरा वो मेरे लिए वर्ड नहीं कराएगा, ठीक है। अगर मैंने आपसे दिखाया, जैसे बोलूँगा हम लोग ए डबल पी, सबको पता है एप्पल होता है, ए डबल पी अली एप्पल होता है ना। मैंने क्या किया, इसको आगे पीछे अरेंज कर दिया, मैंने ऐसे कहा डबल पी ए एल फिर पी ई डाल दिया आगे पीछे, है ना। ये पाल हो गया ना, आप बोलोगे पाल, पाल मतलब एक वर्ड तो बन गया, मतलब जब इसका कुछ मतलब ही नहीं, इसका हिंदी में कोई मतलब ही नहीं है तो ये मेरे लिए लेटर, ये मेरे लिए वर्ड नहीं है। जब उसका कोई मतलब ही नहीं तो मेरे लिए वर्ड नहीं होगा। जब उसका कुछ मतलब मतलब निकले, मतलब उसका उसकी हिंदी निकलेगी, है ना, उसकी हिंदी निकली। अब एप्पल की हिंदी मुझे पता चल गया, एप्पल की हिंदी मुझे पता गया, एप्पल मीन्स क्या होता है सेब। जब सेब निकल गया मतलब उसका मतलब है, जब उसका मतलब है तो मेरे लिए क्या वर्ड है, समझ में आ रहा। जब भी उसका कहीं, जब भी उसका मतलब कुछ निकल जाए, जब भी उसका मतलब कुछ निकल जाए या क्या नाम है, देखो ध्यान से, जब भी उसका मतलब निकलेगा मेरे लिए वर्ड कहलाएगा, जब उसका मतलब नहीं निकलेगा तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा, समझ में आया। अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, समझ में आया ना। आप समझो ये मेरे लिए वर्ड हो गया, और मैंने सेंटेंस बताया, सेंटेंस में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर मैंने आपसे एक चीज इसमें और लिखा नहीं, अगर मैंने आपसे बोला एक डेट लिख दिया मैंने, जैसे बोला कि कुछ है 1997, इसका कुछ मतलब है, कुछ इसका मतलब है, कितने जने बोला इसका कुछ मतलब है, कितने जने बोला नहीं है, हाथ खड़ा करना आप लोग, कितने जने इसका बोलने मतलब है कुछ, और बाकी के लोग मना करें कि इसका मतलब कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है, क्या मतलब है आप बताइए, तो फिर हाथ क्यों खड़ा किया आपने, नहीं पता तो। हाँ जी, हाँ तो देखो इस समय देखो हम पूरा नहीं, मैं इतना बताया 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, पता है ना। जब इतना आपको पता चल रहा है कि इस समय कुछ आज़ाद हुआ था तो मतलब ये अपने आप में भी एक वर्ड ही बनेगा, क्योंकि अपने आप में भी बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसका मतलब पता चल रहा है 1947 कुछ है, 1947 में कुछ है। अब ये क्या है, ये मतलब इतना पता है, इंडिपेंडेंट है। अब देखो अगर मैं इसे उल्टा सीधा करके लिखता हूँ, ये मतलब अपने आप में वर्ड है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखता जैसे 4791 कुछ भी लिख दिया, अब इसका मतलब कुछ है ही नहीं, नंबर इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास, जब कुछ नहीं दिया मैंने वर्ड, हाँ सोच लो जो भी है। तो ये क्या अपने आप में, अपने आप में एक वर्ड क्या बोलते हैं, ये अपने आप में एक वर्ड ऐसे लगा दिया, साइन लगाया, मतलब अपने आप में वर्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले इसे कॉपी करो फिर उसके आगे करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया, जब भी किसी मतलब का सेंस निकलेगा, मतलब किसी के मतलब का कुछ वाक्य उसका हिंदी में मतलब निकलेगा तो उसे मैं क्या बोलूँगा, वर्ड, और जिसका नहीं निकलेगा तो उसे मैं क्या बोलूँगा, उसे मैं क्या बोलूँगा, वर्ड, उसे वर्ड नहीं बोलूँगा। आप समझो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ, अगर मैंने आपको बोला दी आई एंड के, अब देखना डिंक, अभी से बोलो डिंक, डिंक का हिंदी में मतलब कुछ नहीं होता, बट अगर देखो ये क्या मेरे अपने आप में, अगर मैं सबको अलग अलग पढ़ूंगा मेरे लिए क्या होगा, ये अगर मैं सबको अलग अलग पढ़ूंगा लेटर हो गया, सबको अलग अलग पढ़ूंगा, बट डी को अलग पढ़ूंगा, आई को अलग पढ़ूंगा, एन को अलग पढ़ूंगा, के को, ये मेरे लेटर, बट सबको मिला के पढ़ा मैं सबको एक साथ दे रही, मेरे क्या हो गया, ये अपने आप में वर्ड हो गया। आप समझो वर्ड जब अपने आप में हो गया, बट इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकला, जब इसका मीनिंग निकला तो ये मेरे लिए वर्ड नहीं है। अब आगे बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा ना, जब वर्ड नहीं है तो उसे हम वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश कैसे करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, जब हम किसी को वर्ड बनाने की कोशिश, हम उसे जंपर वर्ड बोलते हैं, जंपर वर्ड। जंपर वर्ड का मतलब है कि आपसे क्लास में होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्या सेट करना, क्वेश्चन सेट करना, जैसे आप देखो मेरे पास क्या लेटर था यहाँ पे डी आई एन के, अब ये लेटर है साले, अब इसको मुझे एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, देखो समझ लो ध्यान से, जंपर वर्ड क्या होता है, लेटर आगे पीछे दिए रहेंगे, ये अभी के लिए लेटर, कभी कभी वर्ड भी आगे पीछे दिए, वर्ड भी आगे पीछे, मैं अभी सिर्फ लेटर बता रहा हूँ, ये लेटर आगे पीछे दिए रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, जब मतलब निकलेगा तो वर्ड बनेगा नहीं। बट जैसे हमें बोले जंपर वर्ड, जंपर मतलब ये वर्ड आगे पीछे दे रखा, उसे अरेंज करना, मतलब सही से लगाना है, जब इसको सही से लगाओगे तो मेरे लिए क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा, ध्यान देना।
अगर मैं तो सही से लगाता हूँ के आई एन और ये डी, तो इसलिए बना काइंड। काइंड मीन्स होता है, देखो काइंड तो एक होता है काइंड और एक होता है काइंड। काइंड मीन्स होता है दयालु। काइंड मीन्स देखो इसका मतलब, या देखो यहाँ पे कुछ नहीं निकला इसका मतलब, जब मैंने इसको आगे पीछे अरेंज किया वर्डों को मिलाया तो ये इसका मतलब निकला। जब इसका मतलब निकला तो ये मेरे लिए क्या हो गया, काइंड। काइंड मीन्स क्या हो गया, दयालु। दयालु समझ में आया? तो मतलब क्या है, जब भी लेटर को आगे पीछे लिखेंगे, आगे पीछे दिया गया उसको बोला जंपर वर्ड में अरेंज करना। जंपर वर्ड बनाने के लिए बोले तो उस लेटर को आगे पीछे अरेंज करके उसका मतलब बनाएंगे। मतलब आप जैसे मैंने बोला है डी एल वाई ए, आप बताओ अगर मैं इसे लिखूंगा ऐसे, अगर सही से लिखूँ ऐसे लगे डी एल वाई ए, तो आप बोले मतलब निकलेगा ना तभी मैं वर्ड बोला। जंबल वर्ड ना आगे पीछे देखकर उसको वर्ड बना। अब देखो मैं इसका क्या, उसको वर्ड बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा कुछ मतलब समझ में आया, ठीक है नहीं आया तो देखो इसका बन जाएगा एल। मैं पहले लिखता हूँ ये आपको दे दिया जाएगा एल, उसके बाद ए, उसके बाद डी और उसके बाद वाई। तो देखो लेडी, लेडी मीन्स क्या होता है, महिला। तो महिला को हम क्या बोलते हैं, लेडी। तो लेडी को आप बोलेंगे महिला, तो हमारे लिए क्या है, महिला भी अपने आप में एक वर्ड बन गया। तो मीन अभी तक क्या जाना, अगर वर्ड को मतलब निकला, जब भी कुछ लेटर का मतलब निकलता है, लेटर को जोड़ने में कोई मतलब निकलता है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, वर्ड, है ना। अगर नहीं निकला तो मेरे लिए वर्ड नहीं है। और अगर मुझसे बोल रहे कि भैया इसे जंबल वर्ड में लिखना है तो मतलब उसको आगे पीछे करके लिखना है। जब आगे पीछे करके लिखना है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, जंबल वर्ड। तो अपने आप में क्या हो गया, जंबल वर्ड। समझ में आया जंबल वर्ड क्या होता है, जब भी लेटर आगे पीछे लिखना हो उसे अरेंज करना हो, सही क्रम में लगाना हो, जब भी उसे सही क्रम में लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, जंबल वर्ड। समझ में आया? तो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर उसके बाद हम इसे बंद करते हैं। तो अभी के लिए बंद। तो आइए अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने जितना भी मैंने पहले बता रखा आपको कि क्या नाम है आपके, इन वर्डों को आपको अरेंज करके लिखना है। जब हमने बोला इन वर्डों को जंबल वर्ड में लिखना है तो इनको अरेंज करके लिखना है। जैसे ये आपका वर्ड है ई टी एल डबल एल, तो हम इसे अरेंज करके लिखेंगे, मतलब जो लेटर है उनको आगे पीछे करके देखेंगे इसका कुछ मतलब निकलता है या नहीं निकलता। तो मैंने इसका मतलब आपको क्या लिखा, टेल। इन्हीं वर्ड का, इन्हीं लेटर का मैंने वर्ड बनाया टेल। टेल का मतलब हिंदी में क्या होता है, बताना। तो ऐसे करके आपको ये वर्ड लिखना है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से एक बार कॉपी करके इन वर्डों को करिएगा।